कैसे हैं आप लोग। मैं श्रुति शर्मा, कुक विद श्रुति चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको भाजी पुलाव बनाना बताऊंगी। आइए जानते हैं इसकी सामग्री। ये एक बाउल मैंने बासमती चावल लिया है, बड़ा बाउल। ये एक मैंने बड़े साइज का प्याज लिया है, जिसे मैंने छील के धो के महीन काट लिया है। एक गाजर, जिसे मैंने छील के महीन काट लिया है। एक बड़े साइज का टमाटर, इसे मैंने बीज सहित काट लिया है। एक बड़े साइज का कच्चा आलू, जिसे मैंने छील के काट लिया है। पत्ता गोभी, कॉर्न, मटर, पनीर, इसे मैंने काट लिया है। एक शिमला मिर्च और बीन्स। ये बटर है जो मैं ऊपर से डालूंगी। मैं देसी घी में बनाऊंगी। ये एक नींबू का रस है, काला नमक, सादा नमक, कश्मीरी मिर्च पाउडर, भाजी मसाला और हल्दी पाउडर और ये अदरक। मैंने सब सब्जी आधी आधी कटोरी ली है और मैंने भाजी मसाला 2 चम्मच लिया है। मैंने इससे 2 चम्मच लिया है और अदरक भी मैंने 2 चम्मच लिया है। तो आइए हम बनाते हैं भाजी पुलाव। ये चावल है, मैंने पहले ही से धो के रखा हुआ है। ये एक बाउल चावल है तो मैंने 2 बाउल इसमें पानी डाला है। मैंने पहले ही से इसे धो के आधी घंटा रख दिया था। तो आइए हम बनाते हैं भाजी पुलाव। सबसे पहले मैं गैस ऑन करके पैन चढ़ा दूंगी और मैं इसमें देसी घी डाल देती हूँ, 4 चम्मच। मैंने 4 चम्मच इससे देसी घी डाला है। अब मैं इसे गर्म होने देती हूँ। हमारा घी गर्म हो चुका है। मैं सबसे पहले इसमें अदरक डाल दूंगी। मैंने हरी मिर्च नहीं डाली है, आप चाहें तो हरी मिर्च और लहसुन भी डाल सकते हैं। उसके बाद मैं आलू, पत्ता गोभी, बीन्स, शिमला मिर्च, मटर और ये प्याज गाजर और ये टमाटर और ये कॉर्न भी मैं डाल देती हूँ और मैं इसे मिला देती हूँ। मैंने गैस की आंच तेज कर रखी है जिससे सब्जी हल्की सी भून जाए। अब मैं इसे खुला ही मैं बीच में से चला लूँगी, आधे से 1 मिनट पका लेती हूँ। ये देखिए 1 मिनट हो गया है, हमारी सब्जी हल्की हल्की भून गई है। अब मैं इसमें ये जो 2 चम्मच मैंने भाजी मसाला लिया था, पाव भाजी मसाला, मैं वो डाल देती हूँ। काला नमक मैं 1 चम्मच डाल देती हूँ। ये कश्मीरी मिर्च पाउडर 1 चम्मच मैं डाल देती हूँ। हल्दी 1 चम्मच मैं डाल देती हूँ। सादा नमक स्वाद के अनुसार मैं इसे मिला देती हूँ। जो मैंने चावल आधी घंटा भिगोया था, मैंने उसका पानी अलग कर लिया है। मैं इसमें चावल डाल के भी थोड़ा उसे भूनूंगी। अब मैं इसमें ये चावल डाल देती हूँ।
अब मैं गैस की आंच धीमी करके इसे भी आधा मिनट भून लेती हूँ। ये देखिए आधा मिनट हमारा हो चुका है। अब मैं इसमें जो मैंने चावल का पानी अलग किया था मैं वो डाल देती हूँ। अब मैं इसे मिला देती हूँ। अब मैं इसे अच्छे से मिला देती हूँ। जो मैंने पनीर डाला था मुझे लास्ट में डालना है, नहीं तो पनीर उसमें एकदम मैस हो जाएगी। और अब मैं इसे ढक्कन लगा के पका लेती हूँ। बीच बीच में मैं इसे चेक भी कर लूँगी। ये देखिए हमारा भाजी पुलाव बन चुका है, एकदम तैयार है। अब मैं इसमें बटर डाल दूंगी। बिना बटर और नींबू के भाजी पुलाव हमारा कंप्लीट नहीं होगा। और मैं ये नींबू का रस इसमें डाल दूंगी। और मैं इसे गैस बंद करके मैं इसे आधा मिनट ढक देती हूँ। फिर मैं इसे मिला के इसकी प्लेटिंग करूँगी। मैं इसे ढक देती हूँ। ये देखिए मैंने भाजी पुलाव को आधे मिनट बाद अच्छे से मिला दिया था और मिला के मैंने इसकी प्लेटिंग कर दी है। इसके ऊपर मैंने एक चम्मच बटर डाल के आधी चम्मच मैंने कश्मीरी मिर्च डाल के मैंने तड़का तैयार किया है, मैं वो इसके ऊपर डाल देती हूँ। ये पुलाव इतना चटपटा लगता है कि आपको किसी भी सब्जी की ज़रूरत नहीं है, आप इसे दही के साथ खा सकती हैं। एकदम भाजी का टेस्ट देगा, पाव भाजी जैसे हम लोग खाते हैं। अब मैं इसे हल्का सा डेकोरेट कर देती हूँ। ये लीजिए हमारा गर्मा गर्म भाजी पुलाव तैयार है। तो आप भी खाइए और दूसरों को भी खिलाइए। तो हम फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।